हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की लाइव है हमारी ये, इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंसोल लॉगिन करने के लिए कंसोल को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आएंगे, आईडी पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे, देन यहाँ पर आएंगे, पेस्ट करेंगे पासवर्ड। अब जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो जल्दी से लैब को स्टार्ट करते हैं। अब जल्दी से आ जाते हैं टास्क वन पर। टास्क वन पर हमें देखना है, सबसे पहले ए पी एंड सर्विसेस को एनेबल करना है। तो इस डेटा कैटलॉग को जो है कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं और जल्दी से ए पी एंड सर्विसेज में आते हैं। यहाँ लाइब्रेरी पर आते हैं। जैसे आप लोग लाइब्रेरी पर आएंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे पहले वाले पे। अब जल्दी से इसको एनेबल कर लेंगे। जैसे एनेबल हो जाएगा, हम आगे काम स्टार्ट करेंगे। अब ये एपीआई हमारा एनेबल हो चुका है। जल्दी से यहाँ पर आते हैं, हमने एनेबल कर दिया है, ठीक है। टास्क बना, वो जल्दी से बिग क्वेरी पर आना है हमें, बिग क्वेरी को ओपन करना है। तो ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं, यहाँ पर बिग क्वेरी में आ जाते हैं। इसको जल्दी से वापस से जो है लॉगिन कर लेते हैं। अब हम लोग बिग क्वेरी में आ चुके हैं। अब जल्दी से यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं। हमें सबसे पहले डेटा सेट क्रिएट करना है। तो डेटा सेट आईडी के लिए हम यहाँ नीचे आएंगे। डेटा सेट आईडी हमारी ये रही, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लेते हैं, रीज़न देख लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, डेटा सेट आईडी है, इसको पेस्ट कर देते हैं। लोकेशन हमारी ठीक है, इसको जल्दी से क्रिएट कर देते हैं। जैसे क्रिएट हो जाएगा, हम आगे काम शुरू करते हैं। तो हमारा डेटा सेट क्रिएट हो चुका है, इसको चेक में प्रोग्रेस करा लेते हैं। ये काम हमारा हो गया। टास्क थ्री पर आते हैं। अब जल्दी से इस क्वेरी को कॉपी करके रख लेते हैं। यहाँ पर आएंगे, क्लाउड शेल को ओपन कर लेंगे, इसको कट कर देते हैं। क्लाउड शेल हमारा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर जो क्वेरी हमने कॉपी की थी, इसको पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, इसको ऑथराइज कर देते हैं। कमांड रन हो चुका है हमारा। वापस यहाँ पर आते हैं, इसको चेक में प्रोग्रेस करा लेते हैं। अब टास्क फोर पर आते हैं, हमें जो है डेटा कैटलॉग में जाना है, देन उसके बाद टैग टेम्पलेट्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं, जल्दी से क्लाउड शेल को जल्दी से डाउन कर लेते हैं। अब हमें इसका कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर सबसे पहले सर्च करेंगे, जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर लेते हैं। डेटा कैटलॉग यह रहा, जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पर जो है टैग टेम्पलेट्स पर क्लिक करते हैं जल्दी से। अब हम क्रिएट टैग टेम्पलेट्स पर क्लिक करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेम्पलेट डिस्प्ले नेम है हमारा, डिस्प्ले नेम के लिए जो है हमें ये कॉपी करना है। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, ये हमारा हो गया। अब जल्दी से इसको क्रिएट कर लेते हैं। मेक श्योर ऑल फील्ड्स आर करेक्ट टू कंटिन्यू, तो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमें ऐड अ फील्ड, फील्ड को भी क्रिएट करना है। तो फील्ड के लिए हम डिस्प्ले नेम के लिए इसको जब तक कॉपी कर लेते हैं, वापस से आते हैं, ऐड अ फील्ड पर क्रिएट करते हैं। फील्ड डिस्प्ले नेम पर जो आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट करेंगे, फील्ड आई डी आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। देन इसको मेक दिस फील्ड रिक्वायर्ड कर देंगे, इस पर आएंगे, इसको स्ट्रिंग सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन इसको क्रिएट कर देंगे। जैसे क्रिएट हो जाएगा, फिर हम इसको भी चेक माई प्रोग्रेस करा लेंगे। तो ये हमारा क्रिएट हो चुका है। वापस आते हैं, इसको नीचे करते हैं और जल्दी से इसको चेक माई प्रोग्रेस करा लेते हैं। तो हमें लगता है कि और भी फील्ड्स को करना पड़ेगा, हम सोच रहे थे 100 बट करते हैं इसको। तो हमने फिर से जो है डेटा सेट को टैग टेम्पलेट फिर से क्रिएट करना शुरू किया है। तो हमने यहाँ तक फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था, अब हमें ये सारे भी ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ नेक्स्ट पर आते हैं, इसको कॉपी करते हैं, फिर से वापस आते हैं। अब यहाँ ऐड फील्ड पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर पेस्ट करेंगे, देन उसके बाद हमें ये चेक नहीं करना एंड इसको डबल कर देना है, ठीक है, एंड इसको डन कर देना है।
अब फिर से ऐड अ फील्ड पर आएंगे, अब हम देखते हैं नेक्स्ट फिर से, तो नेक्स्ट है हमारा ये, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लेते हैं, आराम से करेंगे बिना किसी स्पेस के। यहाँ नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, देन इसको जो है बूलियन कर देंगे, इसको बूलियन करते इसको डन कर देंगे। फिर से ऐड फील्ड पर क्लिक करेंगे, फिर से न्यू फील्ड के लिए, न्यू फील्ड के लिए आपको ये कॉपी करना है, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको नॉट चेक करना है, इसको इन्यूमरेटेड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं जल्दी से, टाइप इसका इन्यूमरेटेड है, इसको इन्यूमरेटेड कर देते हैं। अब हमें जल्दी से वैल्यूज़ करनी है, तो वैल्यूज़ पर आते हैं सबसे पहले, तो वैल्यूज़ हमें क्या क्या रखनी है, 3 वैल्यूज़ को ऐड करना है, तो इसको जाते हैं यहाँ पेस्ट करते हैं, देन नेक्स्ट करते हैं, फिर से वापस आते हैं, इसको कॉपी करते हैं, वापस आते हैं, पेस्ट करते हैं, देन ऐड वैल्यू फिर से करते हैं, नेक्स्ट आते हैं और इसको डन करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, देन इसको डन करते हैं। अब ये चारों हमारे हो चुके हैं, देन इसके बाद हम इसको क्रिएट कर देते हैं। अब ये हमारे क्रिएट हो चुका है, अब जल्दी से यहाँ पर वापस आएंगे, यहाँ सर्च पर आएंगे, यहाँ पर आते हैं, देख लेते हैं आगे और कुछ तो नहीं है, नहीं हमने क्रिएट कर दिए हैं, हमें कुछ ऐसा ही दिख रहा था तो हमने ये कर लिया है। ये हमारा चेक माई प्रोग्रेस हो चुका है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं सर्च करने के लिए, इस डेमो डेटा सेट को कॉपी कर लेते हैं, वापस से आते हैं, अब यहाँ ये सर्च था, यहाँ पर सर्च पर पेस्ट करते हैं और इसको सर्च कर लेते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, दो एक डेटा सेट और एक टेबल आ चुकी है। तो हम नेक्स्ट करते हैं, हमने इसे जैसे कि सर्च कर लिया, हमारे पास ये दो टेबल्स आ चुकी थी, तो हमें ट्रिप्स पर क्लिक करना है, ओपन द ट्रिप्स, ठीक है, देन हमें क्लिक अटैच टैग्स करने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिप्स पर क्लिक करते हैं फॉर एंट्री टेबल्स के लिए, हम ये अटैच टैग्स पर क्लिक करेंगे। अब इस अटैच टैग के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे ट्रिप्स पर, यहाँ देख लेते हैं एक बार, अटैच टैग पर क्लिक करेंगे, हमने ट्रिप्स को सिलेक्ट कर देना है, इसको ओके कर देना है, सिलेक्ट डेमो टैग टेम्पलेट कर देना है और इसको जल्दी से कॉपी कर लेते हैं सोर्स ऑफ डेटा सेट को। तो यहाँ पर वापस आते हैं, टैग्स कर लिया, इसको ओके कर देते हैं, चूज टैग पर वापस आते हैं, इसको कर लेते हैं, इसको ओके कर देते हैं। अब फिलिंग टैग वैल्यूज के लिए हमने जो कॉपी किया था सोर्स ऑफ डेटा सेट, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, यहाँ वापस आते हैं और पी आई टैब नन रखते हैं और बाकी इन दोनों फील्ड को खाली छोड़ देंगे, तो इनको खाली छोड़ दिया है, इसको नन कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। जैसे ही काम हमारा हो जाएगा और फिर से हमें इसे व्यू करना पड़ेगा, तो ये जैसे काम हो जाएगा हम इसको चेक माई प्रोग्रेस करा लेंगे। ये काम हमारा हो गया, इसको चेक माई प्रोग्रेस करा लेते हैं, वापस से करा लेते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, देन ये अपने आप हो जाएगा। अब जल्दी से जो है अपना डेटा सेट, हम वापस यहाँ पे आ गए हैं, अब इस डेमो डेटा सेट पर क्लिक करेंगे। अब इस डेटा सेट में भी हमें कुछ टैग्स अटैच करने हैं, तो यहाँ अटैच टैग्स पर क्लिक करते हैं, चूज टैग पर करते हैं, इसको डेमो टैग को कर देते हैं ओके, देन यहाँ फिर से सोर्स ऑफ डेटा सेट डालने हैं, तो डेटा सेट के लिए हमें इसको कॉपी करना पड़ेगा फिर से, तो इसको करते हैं कॉपी जल्दी से और इसको पेस्ट करते हैं, देन पी एल टाइप को इसको नन कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो ये काम हमारा हो चुका है, देन अब इसको चेक में प्रोग्रेस करा लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ हमें टिक मिल चुका है, इसी के साथ हमारी लैब ये एंड हो चुकी है, हमें 100 पॉइंट्स मिल चुके हैं, तो लैब को हम एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लैब में, तब तक के लिए बाय बाय।